आपकी मोटर की स्पीड पूरी नहीं बनेगी तो भी आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी, क्योंकि इस मोटर को पानी उठाने के लिए कम से कम 2800 चक्कर में इस मोटर को चलना चाहिए एक मिनट के अंदर। आगे से पानी डाला तो यहाँ पीछे से पानी निकल रहा है, तो आपने देखा कि ये इम्पेलर निकालने में ये पुलर काम नहीं आया, बल्कि हमने इसी पुलर से इसको निकाल लिया। ठीक है, हमारे जो सील है वो अच्छे से बैठ गई है। दोस्तों अब हमारी आती है इसके ऊपर एम्पेलर लगाने की। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, ऐसी सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को मोनोब्लॉक पंप की रिपेयरिंग सिखाऊंगा। दोस्तों मोनोब्लॉक पंप हमारे पास में चाहे 1 HP का आए, चाहे आधे HP का आए, चाहे मिनी वाला आए, मतलब ये स्मॉल साइज में होता सबसे छोटे में है, तो उनको हमें किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से उसको चेक करना चाहिए, अगर उसके अंदर बैरिंग खराब है तो उसको हमें कैसे बदलना चाहिए। वाइंडिंग का तो अलग मैटर हो जाता है, उसको खोल करके सिंपल से उसकी वाइंडिंग कर दी जाती है, लेकिन उसकी बाकी की जो रिपेयरिंग होती है जैसे उसके एम्पेलर बदलना या उसके अंदर प्रेशर नहीं बन रहा है पानी का, या वैक्यूम नहीं बन रहा है यानी कि पानी खींच नहीं रहा है, तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है और इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मोटर है 1 HP की, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉप्स कंपनी है, कोई लोकल ही है वो बनाती है इसको, और 1 HP की मैक्सी फ्लो की मोटर है ये। और इसको पहले चेक करेंगे कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मोटर चल रही है या नहीं। ठीक है, तो अगर चल रही होगी जब भी हम इसके अंदर पानी वगैरह डाल करके इसका प्रेशर वगैरह चेक करेंगे। हालांकि हमारे पास कंप्लेंट यही आई है कि सर हमारी मोटर जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और ये पानी नहीं उठाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे कस्टमर के तरफ से बताया गया है। तो चलिए इसको चला करके देखते हैं हम। तो देख सकते हैं इसके अंदर आवाज़ तो वाकई में है और पानी उठा रहा है कि नहीं। और इसके अंदर दोस्तों कई बार ऐसा होता है पानी नहीं उठाती जब हमारी मोटर, अगर वाइंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होगी तो आपका जो कि मोटर है दोस्तों वो पानी नहीं उठाएगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर जब आपकी मोटर पानी नहीं उठा रही है और सब कुछ इसका ठीक है, तो इसका अगर आपकी मोटर की स्पीड पूरी नहीं बनेगी तो भी आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी, क्योंकि इस मोटर को पानी उठाने के लिए कम से कम 2800 चक्कर में इस मोटर को चलना चाहिए एक मिनट के अंदर। 2800 चक्कर में अगर नहीं चलेगा तो पानी नहीं उठाएगा। तो चलिए इसकी मोटर जो हमने चला करके देखा जाए तो हमें पता चला कि इसकी मोटर जो है दोस्तों फुल स्पीड में चल रही है, इसकी राउंड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्पीड बन रही है बढ़िया से है। और स्पीड पूरी तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो इसका पता आप एक क्लैंप मीटर से, जो हमारे पास मल्टीमीटर आता है क्लैंप मीटर, उससे भी लगा सकते हैं। जब आप क्लैंप मीटर से एम्पेयर चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपकी मोटर के अंदर वाइंडिंग के अंदर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप इसको मोटर को चला करके और अपना जो क्लैंप मीटर है उसको 200 पे सेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 200 पे सेट कर लीजिए और उसके बाद ये जैसे मेन तार होती है हमारे उसमें ऐसे लगा कर हम इसका एम्पेयर चेक कर लेंगे। एम्पेयर देख सकते हैं 0.78 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 एम्पेयर से भी कम है। तो ये मोटर दोस्तों वैसे वास्तव में आधे HP की होती है, लेकिन लोकल कंपनियां इसको 1 HP का बना करके बेचती हैं। हम इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि 1 HP की है 2 HP की है, हमारे लिए तो ये 1 HP की मैक्सी फ्लो की मोटर आई है रिपेयर होने के लिए। इसको आज हम रिपेयर करेंगे और वो भी पूरी लाइव तरीके से, कि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है। दोस्तों अभी तक हमने ये चेक किया कि इसकी मोटर वगैरह पूरी तरह से राउंड ले रही है और ये मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बैरिंग तो हम इसकी चेंज करेंगे ही, साथ में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी मोटर के अंदर प्रेशर वगैरह वाकई में नहीं बना रही है या कोई और दिक्कत है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है हमारी जो मोटर होती है अगर वो प्रेशर नहीं बना रही तो ये चेकवाल होता है, चेकवाल कई बार टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं है? या इसके अंदर कोई पन्नी वगैरह या कचरा वगैरह लाइन में आकर के इसमें फंस जाता है, जो कि इसमें मतलब जाम होने की वजह से जब रास्ता ही नहीं मिलेगा यहाँ पे पानी खींचने का तो आगे पानी फेंकेगा कहाँ से है? तो कई ऐसी दिक्कत भी आ जाती है। तो अगर ऐसी परेशानी आ रही कि मतलब मोटर में सब कुछ ठीक है, आपने एम्पेलर वगैरह सब चेंज कर दिया उसके बाद भी पानी नहीं उठा रही मोटर है, तो आपको देखना चाहिए कि इसका चेकवाल के अंदर कोई मतलब चेकवाल टूटा तो नहीं है या इसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा, कोई पन्नी वगैरह तो नहीं फंसी हुई है, तो ये भी आपको देखना होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डालेंगे, उसके बाद इसका प्रेशर चेक करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या परेशानी है, कि प्रेशर की परेशानी है भी या नहीं। इसको हम इस तरह से आगे से पानी डाल लेंगे। ठीक है, और देखिए इसके आगे से पानी डाला तो यहाँ पीछे से पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो चेकवाल है दोस्तों वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये चेकवाल जो होता है वास्तव में इसका जो नाम होता है वो होता है NRB है, NRB का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्नेबल वाल्व
तो NRB होता है ये, मतलब पानी को वापस नहीं आने देता है। लेकिन इसका पानी दोस्तों देखिए बहुत तेज़ी से वापस आ रहा है, अगर इसके जितना भी डाला जाएगा लाइन में है ये पानी छोड़ ही देगा जब पानी चला जाएगा, तो इसलिए हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं, यहाँ से हाथ से दबा के हम इस तरह से पानी डाल करके, यहाँ से उंगली से दबा करके, और उसके बाद हम इस तरह से यहाँ मोटर को ऑन कर देंगे, ठीक है। और प्रेशर बना रहा है कि नहीं बना रहा है मोटर, तो हमें ये जो हमारा हाथ है, उंगली है, ये चमड़े को हमारा अंदर की तरफ में खींचता है, हैं पूरी तरह से नहीं कि आपका मांस ही चला जाएगा अंदर, ऐसा नहीं होगा। ये सिंपल तरीके से क्या है कि जैसे पानी को चूसता है तो मतलब दबाव पड़ता है, वैसे ही आपके हाथों पर दबाव पड़ेगा अगर ये प्रेशर बनाएगा तो, ठीक है। पानी खींचने के लिए इसका वैक्यूम बनाना चाहिए जैसे कि इसे यहाँ से खींचना चाहिए, और इसका प्रेशर ज़्यादा ऊपर तक हो, ज़्यादा तेज़ी से हो, तो उसको आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। पहले या उसको दबा लीजिए, उसके बाद ये पीछे वाला साइड में ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे दबा के रखिए। इससे आपको ये पता चल जाएगी क्या इसकी सील वगैरह लीकेज है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इसकी सील तो लीकेज नहीं है, लेकिन इसकी जो बैरिंग है दोस्तों वो ख़राब है, क्योंकि इस मोटर के अंदर बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है। देख सकते हैं कैसी आवाज़ है, ऐसा लगता है कि बैरिंग टूट गई है। दोस्तों इस मोटर की हम बैरिंग चेंज करेंगे, लेकिन बैरिंग के साथ साथ हमें इसका जो कि सील भी चेंज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कस्टमर ये कह देते हैं कि भैया आप बैरिंग चेंज करने की बात कर रहे हो तो सील क्यों चेंज करोगे, सील तो लीकेज नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बताएं, जब मोटर एक बार फिट हो जाती है, सील वगैरह लगा के सब कुछ तैयार हो जाता है, और उसके बाद में दोबारा जब उसको खोला जाएगा तो उसकी जो सील होती है दोस्तों वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, फैल जाती है वो, इसलिए उसमें लीकेज के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बैरिंग चेंज किया जाता है तो सील कंपलसरी होता है कि उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप भी जब कभी भी कोई मोटर ठीक करते हैं, मोनोब्लॉक पंप, तो उसकी अगर बैरिंग आप बदल रहे हैं तो उसकी सील भी आप ज़रूर चेंज करें, नई सील लगाएं। अगर पुरानी लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम पानी उठाने वाली आवाज़ तो बंद हो जाएगी, लेकिन पानी उठाने वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों इसकी बैरिंग को हमें बदलने के लिए हमें इस पूरी की पूरी मोटर को खोलना पड़ेगा। उससे पहले हम इसके आगे का ये जो फ्रंट कवर है, ये टंकी भी कई लोग कहते हैं इसको, तो इसको हम खोल करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम पीछे का बैक कवर वगैरह सब कुछ खोल के मोटर को अलग कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों इसका एम्पेलर और सील हमें निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी नट बोल्ट लगा हुआ है, इन सबको जो हमारे नट बोल्ट इसके अंदर से निकलते हैं उसको हम रख लेंगे एक साइड में, ताकि हमें दोबारा से नया ना लगाना पड़े, हमें हमारा काम इसी से चल जाए। अब दोस्तों ऐसे हमारा नट बोल्ट खुल गया, अब इसको हम इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो कई बार निकलता नहीं है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हथौड़ी लेना चाहिए। प्लास्टिक की भी आप ले सकते हैं, लोहे की भी ले सकते हैं। तो बड़ी मोटर अगर है तो बड़ी हथौड़ी लीजिए, छोटे से बार बार आपको मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का यहाँ पर हल्का मारेंगे ऐसे, ठीक है, और इधर भी मार लेंगे थोड़ा सा, तो आपकी जो मोटर है दोस्तों इस तरह से ये खुल जाएगी। इसमें जो पानी है, ये आप जिस भी अड्डे पे काम करते हैं वहाँ पे देख लीजिए कि पानी वगैरह गिरने से आपके नीचे अगर कोई ऐसा सामान ना हो जिसकी वजह से आपका ख़राब हो जाए। और दोस्तों पानी का प्रेशर मोटर के अंदर नहीं बनाता है, कई बार हमने सील चेंज कर दिया, एम्पेलर चेंज कर दिया, फिर भी नहीं बनाता है। उसका कारण ये होता है कि यहाँ पर ये जो जगह होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये जो स्थान होता है ये वाला, यहाँ से पानी कट के जाता है ऊपर की तरफ में, ठीक है, यहाँ पे निकलता है इस तरह से इधर। तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा कटा हुआ रहेगा तो भी आपकी मोटर जो कि दोस्तों पानी नहीं उठाएगी। इसलिए आप इसको हाथ लगा के इस तरह से देख सकते हैं, वैसे दूर से भी दिखाई देता है कि क्या ये कटा हुआ तो नहीं है, ये वाला हिस्से में ज़्यादा कट तो नहीं गया, घिस तो नहीं गया कोई रेता वगैरह आने से। तो ये सब भी आपको लोगों को चेक कर लेना चाहिए एक बार। बाकी इस मोटर का दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कटा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो नीचे वाला भी देखना है आपको, ये भी कटा होना चाहिए बहुत ज्यादा, और ये भी ज्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी, प्रेशर इसमें नहीं बनेगा, वैक्यूम नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया, ये ठीक है, और बाकी एम्पेलर को भी हम देख लेंगे कहीं से एम्पेलर टूटा हुआ तो नहीं है। देखिए इसका एम्पेलर के एक भी दांत जो है कि वो टूटे हुए नहीं है, सबके सब ठीक हैं बहुत अच्छे से। केवल हम इसको निकाल के सील और बैरिंग निकाल करके हम कर लेंगे सही हो। तो दोस्तों इसका एम्पेलर हम निकालें, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पूरी की पूरी मोटर को पहले निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बैरिंग भी चेंज करना है, उसके बाद में हम इसके एम्पेलर को निकालेंगे। हाँ, जब हमें केवल सील ही चेंज करनी होती है, मान लीजिए यहाँ से किसी मोटर का आपको मतलब पानी टपक रहा है या पानी नहीं उठा रही है और बैरिंग के अंदर आवाज़ नहीं है, तो आपको पूरी मोटर खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको बैरिंग बदलना है तो बैरिंग बदलने के लिए आपको पूरी की पूरी मोटर खोलने की जरूरत पड़ेगी। बैरिंग नहीं बदलना है तो सिंपल तरीके से जितना
जितना हमने अभी तक खोला है उतना खोल करके सिंपल आपको एम्पेलर निकाल लेना है। इसका एक आता है पुलर, हम लोग खुद ही बना लेते हैं वेल्डिंग वाले के पास जा करके कुछ इस तरह का है, तो इससे हमारा ये एम्पेलर निकल जाता है और सील भी यहीं से निकल करके चेंज हो जाती है। और ये ओरिंग वगैरह है दोस्तों जो पुरानी लगी हुई है इसके अंदर, ये भी आपको बदल लेना होता है। और इस जगह पर अगर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो इसको आपको आरी के ब्लेड से जब फिटिंग करते हैं उस समय आपको साफ भी कर देना चाहिए, जिससे कि फिटिंग आपकी अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब बारी आती है कि हम इसकी मोटर को पूरी की पूरी खोल दें, और खोलने के बाद फिर हम इसका एम्पेलर निकालेंगे, बैरिंग निकालेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें ये सब काम करने चाहिए। इसका ये निकालना पड़ेगा ये फैन कवर, तो नीचे वाला नहीं खुलता है क्योंकि इन्होंने पटरा कस दिया इसके अंदर, इसलिए हम उसको इस तरह से निकाल लेंगे दबा करके, और बाद में ऐसे ही फंस जाएगा वो। ठीक है, इसकी पंखड़ी जो लगी है ये पंखड़ी भी आपको निकाल लेना है और दोबारा इसको लगाना भी है इसी तरह से। पंखड़ी जब निकालते हैं तो देख लीजिए किधर से लगी हुई है, इसका जो आगे वाला जो कट वाला हिस्सा है ये इधर ही होना चाहिए, अगर इधर कर देंगे तो हवा इसके ऊपर नहीं लगेगी, ये मोटर ठंडी करने के लिए ये ज़रूर लगाना चाहिए। पंखड़ी निकालने के बाद में आपको इसके जो बैक कवर के पीछे नट स्टड लगे हुए हैं इसके नटों को आपको खोल लेना होगा, और उसके बाद हम इसके बैक कवर को निकालेंगे। बैक कवर को निकालने के लिए दोस्तों आपको इसके सापट के ऊपर मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसके नक्के के ऊपर, ये जो हमारा नक्का है ऊपर निकला हुआ है जिसमें स्टड लगा है, इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से मारेंगे तो आपका ये बैरिंग जो है ये निकल जाएगा। थोड़ा सा इधर से मार लेना है, थोड़ा सा कोशिश करना है यहाँ से अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहीं से मारते रहेंगे तो भी आपका ये निकल जाएगा इस तरह से, देखिए। ठीक है, इससे निकल जाता है और इसको निकाल के रखना साइड में, और उसके बाद इधर वाले नक्के पे भी हल्का हल्का मार लेना है और आपका ये निकल गया पूरी की पूरी मोटर। देख सकते हैं दोस्तों ये बैरिंग ख़राब होने की वजह से मोटर जो कि पूरी लाल हो गई है, हीट हो गई है, तो बैरिंग अगर किसी मोटर का ख़राब हो तो कस्टमर को ज़रूर कहें कि भैया इसकी बैरिंग चेंज करा लो, नहीं तो आपकी मोटर जो कि डैमेज हो सकती है, फूक सकती है। इसको दोस्तों अभी हमें इसकी बैरिंग बदलना है, इसको सील बदलना है, इसको हम मोटर को रख देंगे साइड में नीचे और उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। अभी हमें इसमें देखना है दोस्तों कि इसमें कौन सी बैरिंग ख़राब है, आगे वाली ख़राब है या पीछे वाली ख़राब है। अगर दोस्तों पीछे वाली ख़राब है और आपके अपने किसी जानकार का है या मतलब नज़दीक में है तो उसका आप पीछे वाली बैरिंग आप केवल चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाली में अगर दिक्कत नहीं है तो है। लेकिन अगर पीछे वाली सही है और आगे वाली ख़राब है तो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा चेंज करना ही पड़ेगा। पीछे वाली अगर ख़राब है तो आपको सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पीछे की बैरिंग ही चेंज कर दीजिए। तो हम दोस्तों तो इस तरह से हम घुमा करके देखते हैं तो इधर में कोई आवाज़ नहीं है, देखिए इसमें कोई आवाज़ नहीं है लेकिन नीचे वाले में आवाज़ है। इधर वाले बैरिंग में आवाज़ है तो हम इसको हम चेंज करेंगे, ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले इसके एम्पेलर को निकालेंगे। एम्पेलर निकालने का यही तरीका है कि हम इस पुलर को हम इसके अंदर लगा लेंगे। इसके अंदर देखिए ये स्टड लगने की जगह होती है, पहले इसमें कस लेना है। तो दोस्तों किसी भी साइज़ का मोनोब्लॉक पंप हो और उसका आपको अगर बैरिंग सील एम्पेलर चेंज करना है तो इस तरह की पुलर का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी मोटर के एम्पेलर के अंदर किसी प्रकार से ज़्यादा जंग लगा हुआ है, ज़्यादा उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम है, जाम है वो है, और वो बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी इस प्रकार से आपका जो एम्पेलर है वो नहीं निकल पा रहा है, तो इसके मतलब क्या तरीका होगा जिसकी वजह से कि आप मतलब इस एम्पेलर को निकाल पाएंगे उस तरीके का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस तरह से जब मैंने इसको एम्पेलर को निकालने की कोशिश किया तो मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी आप देख सकते हैं, पहली बात को इसका सुराग जो कि आउट था और सुराग आउट होने के बाद भी ये मतलब लगा नहीं, अंत में जाकर के मुझे इसको निकालना पड़ा, इसको मतलब फिर दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा। तो चलिए अब आपको उस तरीके का भी हम बताते हैं। आती है और फ्री हो जाती है, तो आप भी इस तरह का पुलर लीजिए बैरिंग निकालने वाला और इससे आप निकालिए। कैसे निकालना होता है, इससे आपको इसको इस तरह से लगाना होता है, ऐसे लगाइए यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको यहाँ पर लगाना है, ये क्योंकि यहाँ पे तो फंसेगा नहीं इसके दांतों में, इसलिए दांतों में ना लगा करके दांत टूट भी सकते हैं, इसलिए आप इसको यहाँ पे ना लगा के पीछे लगाइए, ऐसे लगाइए ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाइए और यहाँ से दबाइए। मैं जानता हूँ कि इसके अंदर में एक लॉक लगा हुआ होता है जो कि वो उसकी वजह से हमारा ये टूट सकता है, ये आगे वाला जो नक्का है ना ये ज़्यादा दबाव देने पे टूट सकता है, इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। उसमें कुछ सावधानी रखनी होती है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, थोड़ा निकालिए फिर इसके नीचे कुछ लगा लीजिए, देखिए
ऐसे निकल जाएगा ये। अगर लॉक पार हो जाता है बैरिंग निकलते ही आपकी, तो अच्छी बात है, हैं। कई बार होता है क्योंकि देखिए हमारी एम्पेलर निकल गया है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है कि कहीं ये जो लॉक होता है यहाँ पे दोस्तों, एक लॉक लगा हुआ होता है, तो ये सब पूरा का पूरा आपको ऐसे ही नहीं कि मतलब पूरा आप बैरिंग ही पार कर दो, ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये जो सील लगी होती है इसकी वजह से यहाँ ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये जो है, ये जो हिस्सा है ये टूट सकता है। इसलिए आप इतना ही निकालना है आपको कि आपके एम्पेलर बाहर आ जाए, और उसके बाद आप इसकी सील वगैरह जो है उसको आप निकाल लीजिए इस तरह से। इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक वो भी लगा हुआ है, चाबी भी होती है, इस चाबी को भी आपको संभाल करके रखना पड़ेगा। देखिए ये चाबी है, इसको आपको दोबारा लगाना पड़ेगा इसमें। इसलिए अब हमें इसको निकाल लेंगे, हल्का सा चोट मारेंगे तो अपने आप पीछे चला जाएगा इस तरह से। देखिए हमारी सील निकल गई, वैसे जुगाड़ से नहीं निकल रहा था, तो आपने देखा कि ये एम्पेलर निकालने में ये पुलर काम नहीं आया, बल्कि हमने इसी पुलर से इसको निकाल लिया, ठीक कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम इस काम को कर सकते हैं। बाकी इसकी जो बैरिंग है, देखिए ऊपर वाले में ज़्यादा आवाज़ है, इस वाले में ज़्यादा आवाज़ नहीं है, लेकिन जिस कस्टमर का आया हुआ है उनको हमें बढ़िया काम करके देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी दोनों बैरिंगों को चेंज करेंगे। आइफा की बैरिंग लगी हुई है जो कि सस्ती वाली होती है ये, तो हम इसके अंदर HCS की लगाएंगे जो कि मीडियम क्वालिटी की होती है। आप भी कम से कम मीडियम क्वालिटी की तो लगाइए। चलिए बैरिंग आराम से निकल जाए, ठोक ठोक के हम निकालेंगे, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे मारेंगे। ये WD-40 है, उसके बाद में इस तरह से हल्का हल्का मार करके हमारी बैरिंग अगर लूज है, ये सीट मतलब सही है, तो ये आराम से ऐसे ही निकल जाता है। हल्का हल्का चोट मारेंगे इस पर, हैं, तो निकल जाएगा। ज़्यादा जंग लगा हुआ रहता है तो वो थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी इस तरह से अगर साफ़ है, अगर जंग नहीं लगा हुआ बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी बैरिंग जो कि आराम से निकल जाती है। इसके अंदर हम नई बैरिंग लगाते हैं दोस्तों, ठोकते हैं इसमें। तो दोस्तों मैं 3 नंबर की बैरिंग का मतलब ज़्यादा ही रखता हूँ, क्योंकि मैं जो कि नई मोटरें बनाता हूँ, इसलिए मेरे पास बढ़िया क्वालिटी की मीडियम साइज़ की HCS की बैरिंग रहती है, ठीक है। तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, तो मैं इसमें लगा लूँगा इसको। आप नहीं है आपके पास में तो मार्केट से जाके ले आइए, और इस तरह से इसको पहले इसमें फंसा लेना है। और अगर इसके पीछे कोई वार्सल वगैरह निकलता है तो वार्सलों को भी आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए, हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो बैरिंग है अच्छे से हमारे कवर के अंदर फिट हो जाती है, बैठ जाती है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप मत लगाइए, लेकिन लगा है तो ज़रूर लगाइए। इसको ठोकने के लिए दोस्तों आप हथौड़ी से इसके ऊपर नहीं, हैं, आप इस तरह का प्लास्टिक का गुल्ला या लोहे का आप पाइप बनवा लीजिए, जिसको कि आप इसके ऊपर रख करके, ताकि इस वाले हिस्से पे पड़े वो, हैं, आपका जो ठोकते हैं तो ये वाला पाइप जो है कि आपके इस हिस्से पे पड़ना चाहिए, यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी बैरिंग के अंदर आवाज़ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे रख के ऐसे मार लेंगे, ठीक है, और आपकी बैरिंग जो है नीचे तक ठुक जाती है। और दोस्तों अगर आपके पास में इस तरह का पाइप नहीं है, प्लास्टिक का भी नहीं है, और आपके पास में कोई लोहे का भी पाइप नहीं है, हैं, और पॉसिबल भी नहीं है बनवाना, तो आप क्या कीजिए, जैसे कि हमारी ये बैरिंग है, इसको हमने ऐसे रखा, और आप लीजिए एक छैनी, ठीक है, और छैनी ले करके आप इस ऐसे रखिए, और इसके कोने पर रखिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे नहीं ठोकने के बजाय यहाँ पर ऐसे रख करके इसके ऊपर हल्का हल्का मारेंगे ऐसे, तो भी आपकी जो बैरिंग दोस्तों वो नीचे तक ठुक जाएगी अच्छे से, है, और इसमें आवाज़ भी नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आपको बार बार एक बार इस तरफ आमने सामने रख करके आपको मारना होगा, ठीक है, ऐसे करके मारना होगा। और एक तरीका और भी है कि जब आप मोनोब्लॉक की फिटिंग कर रहे हैं, तो आपके मान लीजिए कि छैनी भी नहीं है आपके पास में, पाइप भी आपके पास में नहीं है, तो आपको कैसे ठोकना होता, तो आप सिंपल तरीके से क्या कीजिए, जैसे थोड़ा बहुत ऐसे मतलब बैरिंग आपकी फंस गई है, हैं, तो वहाँ पे आप इसको इसके अंदर ऐसे लगा लीजिए, ऐसे इसके अंदर ऐसे लगा लीजिए, और लगाने के बाद में आप इसको ऐसे ऊपर से मारना है आपका, फिर आपकी बैरिंग आराम से ठुक जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसे कि आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सब जो सामान इसके अंदर से निकलता है, ये वाटर थ्रू होता है, पानी अगर आपकी सील से निकले तो बाहर फेंक देगा ये, तो इसको भी आपको ज़रूर लगाना होता है। और सील जब चेंज कर रहे हैं आप, तो इसके जो ये रबड़ वगैरह हैं, ये जो पत्थर है यहाँ पर अंदर में लगा हुआ, इसको भी निकाल करके आपको चेंज कर लेना चाहिए। इस तरह से आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ही आप बैरिंग को ठोकिए, हैं, ये रबड़ वगैरह आप निकाल लीजिए, इसके बाद आपको नया लगाना होगा, आपकी नई सील के साथ में ये सब आता है,
ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें बैरिंग को इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। कैसे, ये सिंपल, आपको ये वाटर थ्रू यहाँ पे लगाना है इसके सुराग पे, और इसको बैरिंग को ऐसे लगा करके और नीचे ज़मीन पे इस तरह से मारना है ऐसे, ठीक है। और बैरिंग आपकी थोड़ा सा जब मारेंगे तो आपकी बैरिंग इस तरह से ठुक जाएगी, देख सकते हैं आराम से ठुक गई है और हमारी बैरिंग के अंदर कोई आवाज़ भी नहीं है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, हमारी बैरिंग जो कि अब ठुक गई है, अब इसकी मोटर को दोस्तों हम फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद ही हम इसके जो कि सील लगाएंगे, इसका पत्थर लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों इतना होने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए अंदर से। अगर आपके पास में ज़्यादा जंग लगा हुआ है इसमें तो आपको रैगमार से साफ़ कर लेना है, और नहीं तो आप इसको रेती ले करके आप इस तरह से पतली वाली एक आती है उसको मोटर को चला करके इसमें मार दीजिएगा तो साफ़ हो जाएगा। बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको हम ऐसे ही रगड़ के हल्का सा साफ़ कर लेंगे। और जब आपका रूटर बाहर निकला रहता है, सपट बाहर निकली रहती है बैरिंग डालते समय, तब भी आप इसको रैगमार से हल्का सा साफ़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम इसको साफ़ नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से इसकी मोटर को फिट करेंगे और इसमें सील लगा देंगे। मोटर फिट करते समय, क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताऊं कि मोटर जैसे फिट की जाती है, ज़्यादातर जैसे लोकल मोटरें होती हैं, इन लोकल मोटरों के अंदर दोस्तों इसका जो कनेक्शन होता है वो बैक साइड में ही रहता है। जैसे कि हमारा ये फ्रंट है, हैं तो फ्रंट की तरफ में कनेक्शन वाला हिस्सा नहीं रहेगा। जैसे देख सकते हैं इधर कोई स्लीव वगैरह नज़र नहीं आ रही है, इधर स्लीव नज़र आ रही है, इधर कनेक्शन निकले हुए हैं। तो ये जो हिस्सा होता है दोस्तों ये पीछे की तरफ रहेगा, अगर आप ऐसे भूल जाते हैं तो। बाकी वैसे आप याद रखिए खोलते समय कि आपका ये कनेक्शन का साइड किधर रहेगा, और सिंपल तरीके से आप इसको फिट कर दीजिए। अब फिट करते समय भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये मतलब कैसे फिट होगा, इधर से ऐसे फिट होगा ऊपर वाला जाएगा या ऐसे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। हैं वो आपको ऐसे इसके रॉड से ध्यान नहीं रख सकते हैं, या तो आप ऐसे निशान लगा लीजिए, और नहीं तो किसी भी तरह से अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप ये एक बात याद रखिए कि ये जो टिक्की है आपको दिखाई दे रही है ये ऊंची हुई उठी हुई है फ्रंट कवर के अंदर, तो इसको हमेशा ऊपर ही रखना होता है, है ऊपर रहेगा, ठीक है। ये दोनों टिक्कियाँ आमने सामने रहनी चाहिए, तो आपको इसको हमेशा ऊपर ही रखना है। तो ये किधर भी हो, किधर भी घूम जाए ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका ऊपर रहना चाहिए। बाकी जब ये आपका ऊपर रहेगा तो ये आपका घूमने नहीं पाएगा, और ये घुमा देंगे और नीचे कर देंगे तो आपका पानी मोटर नहीं उठाएगी। तो हम इसको इस तरह से हम फिट कर लेंगे, इसके अंदर लगा लेंगे और इधर से उठाएंगे। उसके बाद बैक कवर हम अपना, और बैक कवर को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो छोटी वाली हथौड़ी लेकर के या प्लास्टिक की भी हथौड़ी लेकर के आप इसको हल्का हल्का इस तरह से बैरिंग वाले हिस्से पर मारिए, और आपकी जो कि मोटर फिट हो जाती है। इस तरह से आप हाथ से घुमा के देख लीजिए, और आपने जो स्टड निकाला था इसके अंदर, ये जैसे हमारा एक आध स्टड अंदर से खुल जाता है, इसको भी आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। ये नहीं आप सोचें कि दो ही स्टड पे मैं चला दूं इसको, तो तीन स्टड वाला अगर आपका मोटर है तो उसको आप दो स्टड पे नहीं चला सकते, उसमें आपको तीन ही लगाने पड़ेंगे। हैं दो लगाएंगे तो आपका वो ये फिट ही नहीं होगा, सेट ही नहीं होगा। जो नट हैं इसके अंदर दोस्तों, ये भी आपको बराबर बराबर कसने होते हैं। आपकी मोटर दोस्तों फ्री होनी चाहिए पूरी तरह से सील लगने से पहले। अगर सील लगने से पहले ही जाम है तो सील लगेगा तो और मोटर आपकी जाम हो जाएगी, हैं, और वो मतलब लोड ज़्यादा लेके चलेगी, एम्पेयर ज़्यादा लेगी और गर्म भी ज़्यादा होगी, इसलिए आप इसको फ्री कर लीजिए। फ्री करने का तरीका यही होता है, मान लीजिए हमने इस तरह से इसको टाइट कर दिया स्टड, हैं ये स्टड हमने यहाँ पर टाइट कर दिए हैं, और उसके बाद हमारी मोटर देखिए अभी जाम है, देखो ये नहीं घूम रही है, ठीक है, देखो देखो जाम, ये नहीं घूम रही है, हल्का हल्का घूम रही है, जाम घूम रही है। इसको हमें फ्री करने के लिए कहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं, हमें सिंपल इस बैरिंग वाले हिस्से पे एक चोट मारेंगे इस तरह से, और हमारी मोटर दोस्तों देखिए इस तरह से घूमने लग जाएगी। एक बार घुमाएंगे तो ये कई बार घूमने लग जाएगी, यानी कि अब हमारी मोटर अब फ्री हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपनी मोटर को फिट कर लेना है, और उसके बाद अब बारी आती है इसके अंदर सील इंस्टॉल करने की, ठीक है। तो सील हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे कैसे, देखिए पहले इसके अंदर जो जगह है ये अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। अगर कोई कूड़ा करकट है तो उसको पानी मार करके या रगड़ करके कैसे भी करके आप उसको साफ़ कर लीजिए, हैं, जंग वगैरह कोई लगा हुआ है तो उसको आपको ऐसे पेचकस लगा करके, और पेचकस लग जाए और जंग लगा हुआ फिर भी इसके अंदर आप इस तरह से पानी डाल करके भी इसमें साफ़ कर लीजिए, ताकि आपका ये अच्छे से क्लीन हो जाए। इसमें कोई भी रेता वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके रबड़ जो कि फंसाई जाएगी, रबड़ लगेगी। तो इसको हमने साफ़ कर लिया है, अब बारी आती है इसके अंदर सील लगाने की। तो सील लेके आएंगे हम नई सील। दोस्तों मैं अपने दुकान पर दो तरह की रखता हूँ, एक रखता हूँ मैं डायमंड की, ठीक है, देख सकते हैं डायमंड की सील है, और एक है ये
ये लोकल ही है वैसे, लेकिन ये लोकल वाली जो होती है ये मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया क्वालिटी की होती है। अब आप कहेंगे कि लोकल वाली भला बढ़िया कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, लोकल वाली के अंदर ये फ़र्क होता है कि इसकी जो ये जो रबड़ वाला हिस्सा होता है यहाँ पे जो रबड़ वाला हिस्सा होता है ये कम होता है, जो कि हमारी जो मोटरें होती हैं जैसे पुरानी रिपेयरिंग के लिए आती हैं तो ये मतलब जंग लग करके घिस जाती हैं, उसको हम रैग मारते हैं तो और पतली हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो लोकल वाली सील होती है ये आराम से इसमें बैठ जाती है, लीकेज नहीं होने पाता है। लेकिन ये जो डायमंड की सील है दोस्तों, ये अपने जगह पर जैसे नई रहती है वैसे ही नई इसके अंदर लगाने के बाद, यानी कि नई मोटर के अंदर आपको लगाना है तो फिर तो डायमंड की लगाइए, हैं। और अगर आपको पुरानी मोटर के अंदर लगाना है तो आपको इस तरह से छोटे सुराग वाले, जिसका सुराग मतलब ये रबड़ जो कि टाइट हो, वो वाले सील ला करके आपको अपने पास में रखना चाहिए रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। इसको आप लगाएंगे तो ये लीकेज होने की संभावना इसके अंदर रहती है, लेकिन इसको लगाने के बाद में लीकेज आपके मोटर यानी कि सील लीकेज नए लगाने के बाद में नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसी को लगाएंगे, हम इसको नहीं लगाएंगे। इसको लगाने के लिए सिंपल हमें इसको फाड़ लेना है, इसमें कोई मंत्र वाली बात नहीं है कि मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। और जब सील आप ख़रीदते हैं तो आपको इसके साथ में एक ओरिंग मिलती है, एक सील मिलती है, एक पत्थर मिलता है, रबड़ मिलता है, और इसके साथ में ही आपको एक लॉक मिलता है जिसको आपको लगाना होता है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है इसके अंदर लगाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें पत्थर लगाना होता है, ये वाला पत्थर, और पत्थर में भी जैसे ये लगा हुआ जैसे लग करके आता है वहाँ से, जैसे प्लेन वाला हिस्सा है ये ऊपर रहता है ऐसे ही लगाया जाता है। इसमें जो एक खुरदरा वाला हिस्सा होता है ये आपको अंदर ही रखना होता है रबड़ के नीचे, ठीक है, ताकि आराम से बैठ जाए। तो हमें सबसे पहले इस रबड़ को लगाना है और यहाँ पर पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह से इसको आप सेट कर लीजिए अंदर में, देखिए इस तरह से आपको इसको अच्छे से बिठा लेना है, हैं। और उसके बाद में ये जो सील है इसके ऊपर में थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगा करके या शैम्पू का पानी लगा करके कुछ इस तरह से थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि ये आराम से सरक करके अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। और इसको हम इस तरह से इसमें लगाएंगे और यहाँ पे ये पाइप लगा करके वैसे खड़ा करके मोटर को किया जाता है, मैं आपको दिखाने के लिए, आप इस तरह से लगा करके आप इसको अच्छे से बैठा लीजिए इसके अंदर। देखिए आपका सब तरफ से बैठना चाहिए, कोई भी रबड़ जो है कि दोस्तों मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जब ये हो जाए और उसके बाद में आपको इसको लगाना है, और इसमें भी ये वाला हिस्सा ऊपर रखना है और ये वाला जो हिस्सा है पत्थर वाला हार्ड वाला ये इसको नीचे रखना है और ये रबड़ वाला ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसको भी हम इसको इस तरह से लगा लेंगे और देखिए ये मतलब टाइट जाता है ये, हैं, ऐसे इसीलिए हम इसको लगाते हैं इसमें, क्योंकि ये लोकल वाले को, क्योंकि ये टाइट जाता है अंदर तक और अच्छे से बैठ जाता है, फिट हो जाता है इसमें, हैं, लीकेज की समस्या नहीं रहती है, ठीक है। देखिए ये पूरी तरह से फिट हो गया, हाथ से ही आपको इसको मारना है, कोई हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। और उसके बाद में जो हमारे ये लॉक मिला हुआ है इसको भी हम इसमें लगा लेंगे, और इस लॉक को लगाने के लिए और इसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक लॉक प्लास होता है इस तरह का, है, इसको हमें इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो दो तार लीजिए और एक इधर मारिए बांधिए और एक इधर बांधिए, और दोनों को खींच करके आराम से इसके अंदर आप पिरो सकते हैं, मतलब इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपके पास लॉक प्लास है, आप परमानेंट काम करते हैं, तो इस तरह का लॉक प्लास रखिए और ऐसे फैला करके इसको इसके अंदर आप लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसमें इंस्टॉल कर देंगे हम, और हाथ से या हथौड़ी से इसको हम यहाँ पे दबा देंगे नीचे तक। इसके अंदर एक कट होता है दोस्तों, वहीं कट के पास ही हमें इसको लगाना होता है, ठीक है। देखिए ये कट पे ही जा कर के बैठ गया है पूरी तरह से, ठीक है, हमारे जो सील है वो अच्छे से बैठ गई है दोस्तों। अब हमारी आती है इसके ऊपर एम्पेलर लगाने की। तो एम्पेलर के लगाने से पहले हमने ये चाबी निकाला था इसके अंदर से, ये चाबी भी हम इसके अंदर लगा लेंगे। और उसके बाद हमने जो एम्पेलर निकाला था इस एम्पेलर को भी हम लगा लेंगे। देखना होगा कि कहीं से ये टूटा फूटा या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। निकालते समय भी आपको ध्यान रखना है कि ये सीधा ही रहे। इसको इस तरह से लगा लीजिए और हल्का हल्का थोड़ी से इस तरह से मार लीजिए इसके ऊपर, और ज़्यादा जोर नहीं, जोर से नहीं मारना है आपको, हल्का ही ऐसे ही मार लेना है, और सब तरफ से मतलब सीधा ही ठुकना चाहिए। अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो आपकी फिटिंग में नहीं आएगा। देख सकते हैं हमारी जो कि ये पूरी तरह से अब बढ़िया से फिटिंग हो गई है, और ऐसे ही होनी चाहिए, देखिए जैसे ये लगा हुआ है ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों हमें ये ओरिंग लगानी है, ओरिंग लगा लेनी है, उसके बाद ये हमें कवर लगा लेना है।
अगर इसके ऊपर में जंग लगा हुआ है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें जंग लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप साफ़ कर लीजिए हैं। इसमें तो चल भी जाएगा फिर भी है, लेकिन बड़ी अगर कोई मोटर आती है उसमें ज़्यादा जंग लगा, उसमें आपको ज़रूर साफ़ कर लेना अच्छे से। और इसके अंदर भी जहाँ पे हम ये जो कट वाला हिस्सा है, ये गड्ढा है, इसके अंदर ओरिंग हमारी फंसती है, तो इस जगह को भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है कि यहाँ से कोई सांस ना ले ले, कोई लीकेज ना होने लग जाए है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको फिट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे फिट करके हमने जो इसके अंदर से नट बोल्ट निकाले थे इसको हम लगा लेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम नीचे वाले को कस लेंगे थोड़ा सा हाथ से पकड़ के हैं, और घूमने लग जाए तो आप प्लास से पकड़ के भी इसको बराबर बराबर मात्रा में दोनों तरफ से आप टाइट कर लीजिए, सब तरफ से बराबर बराबर टाइट कीजिए। और अगर कहीं से लगने लग जाता है तो दूसरे तरफ का आप लूज करके इसको आप तीसरे वाला आप कसने की या लूज करने की सेटिंग करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे में जब आपका इतना टाइट हो जाए उसके बाद अपने मोटर को एक बार ऑन कर लीजिए करके आप इसको टाइट कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कहीं लग रहा होगा तो आप उसको लूज कर लेंगे हैं, टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं हल्का हल्का लग रहा है, बाकी इससे ये एम्पेलर आपका इधर आगे पीछे लगता है, उसकी वजह से ऐसी दिक्कत आती है, मतलब हल्की फुल्की आवाज़ आती है, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं बंद होता तो आप इसको हल्का सा यहाँ पे ऐसे चोट मारेंगे तो ये आवाज़ आराम से बंद हो जाएगी। देख सकते हैं अब ये बिल्कुल नए की तरह चल रही है, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। इसको बंद कर देंगे और बाकी इसको फ़ैन कवर वगैरह लगा देंगे, और फ़ैन कवर लगा करके इसको आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसका प्रेशर वगैरह कैसा है। और इसकी आवाज़ देखिए दोस्तों बिल्कुल नए की तरह हो गई है। फ़ैन कवर भी लगा लिए हमने, और नीचे वाले को ठोक करके निकाला था तो ठोक करके इसको बिठाना भी है, हो गया। और अब इसको हम एक बार चला करके देखते हैं कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं है। देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल नहीं है, हमने ऑन कर दिया है। और अब इस प्रेशर चेक करेंगे, इसकी सील चेक करेंगे, इसका वैक्यूम चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसके अंदर अब कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये इसके अंदर पहले यहाँ पे हम पानी डाल लेते हैं, और पानी डालने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जब हमने इसके अंदर शुरुआत में पानी डाला था तो हमने देखा था कि यहाँ से पानी रिटर्न आ रहा था, वापिस आ रहा था, तो हमें इसको प्रेशर वगैरह चेक करने से पहले एक बार इसके चेक वाल को भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या इसका चेक वाल टूटा है, या इसके अंदर कोई मट्टी वगैरह जा करके फंस गई है, पन्नी फंस गया है, कोई कचरा फंस गया है, जिसकी वजह से ये मतलब पानी रिटर्न हो करके आ रहा है, क्योंकि ये NRV है, नॉन रिटर्नेबल वॉल्व, ठीक है। तो इसको हम खोल करके एक बार देखेंगे, अगर वह सही होगा, केवल कचरा ही फंसा हुआ होगा तो उसको हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन अगर वो टूट गया होगा तो उसको हमें बदल करके नया लगाना पड़ेगा, जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे। चलिए इसको पहले खोल करके देखते हैं दोस्तों। देखिए हमने इसको खोल तो दिया है, और इसके अंदर देखिए ये कंकड़, ये पत्थर टाइप से है, ये नलके के अंदर वगैरह निकलता है, लाइन में भी आ जाता है, ये पत्थर है देख सकते हैं, तो ये निकला है। और दूसरी बात, इसको हम निकालते हैं, इसका ये रबड़ यहाँ पहले निकला, उसके बाद ये प्लास्टिक आपका निकल जाएगा इस तरह से। और देखिए इसके अंदर और भी कई सारे कंकड़ निकल रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब कंकड़ निकला है इसके अंदर से, देखिए ये, और आपका यहाँ पे फंसा हुआ था, अंदर में फंसा हुआ था, ये छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसे फंसे हुए थे, ठीक है, ऐसे फंसे हुए थे ये, तो इस वजह से हमारा जो पानी था वो वापस आ रहा था निकल करके। इसको आप इस तरह से साफ़ कर देंगे जब, तो आपका ये मतलब पूरे अच्छे से बैठने लग जाएगा, जिसकी वजह से कि आपका पानी रिटर्न नहीं आएगा। वास्तव में इसका जो स्प्रिंग वगैरह है, इसके जो चेक वाल है, इसका जो NRV है, ये पूरी तरह से ठीक है, हैं थोड़ी पुरानी तो है लेकिन फिर भी चल जाएगा ये। इसको अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है रगड़ के, और वापस से आपको इसको इसी प्रकार से लगा देना है जैसे आपने इसे खोला है, ठीक है। निकालते समय और लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, निकालते समय तो आप निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाते समय आपको इसकी जो ये डंडी है ये पीछे की तरफ ही, यानी कि इसके अंदर रहनी चाहिए ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से रखना है। और अगर आप इसको इस तरह से लगा देंगे, यानी ये डंडी आप मोटर के अंदर कर देंगे, तो आप ज़िंदगी भर प्रयास करते रहेंगे, आपकी मोटर दोस्तों पानी नहीं उठाएगी। इसलिए आप सही तरीके का इस्तेमाल करें, जो तरीका है उसी का इस्तेमाल करें। और बहुत लोग होते हैं कि क्या करेंगे, दोनों रबड़ एक साइड में लगा देंगे, जैसे एक इधर भी रबड़ लगी हुई है, एक इसके ऊपर रबड़ लगी है ये, तो
ये क्या करेंगे, ये दोनों रबड़ एक साथ लगा देंगे, ऐसा नहीं करना होता। एक रबड़ आपको मोटर के साइड में, जहाँ हमारी ये मोनोब्लॉक पंप होती है जहाँ पे लोहा लगा होता है वहाँ होता है, एक लोहा एक रबड़ को हमें इसके ऊपर लगाना पड़ता है, जो दूसरा वाला हमारा फ्लैंच होता है उसके ऊपर लगाना पड़ता है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में आपको ये हार्ड वाला जो प्लास्टिक वाला जो ये चेक वाल होता है, NRB होती है, इसको हमें लगाना होता है इस तरह से। ये डंडा हमें पीछे रखना है और इस प्रकार से हमें इसके ऊपर लगा लेना है, और यहाँ से अच्छे से आपको बराबर बराबर मात्रा में टाइट कर देना होता है। दोस्तों इसको टाइट करते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये हम ज़्यादा ना टाइट कर दें, जिसकी वजह से ये जो रबड़ है दोस्तों, अगर ये फट जाएगी ज़्यादा टाइट करने की वजह से हमारे, तो भी इस मोटर के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम बनी रहेगी। सब कुछ ठीक करने के बाद भी ये मोटर दोस्तों पानी नहीं उठाएगी, क्योंकि ये रबड़ वाल फटने की वजह से ये इसके अंदर जो कि लीकेज होता रहेगा, सांस लेती रहेगी, जो कि आपको मतलब परेशानी हो जाएगी। तो देखिए अब हमने बराबर बराबर दोनों टाइट कर लिया है। अब इसके अंदर हम दोस्तों पानी डालेंगे। पानी हमेशा आगे की तरफ से ही डालिए, पीछे से डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अगर पानी भरा रहेगा मुंह तक तो आपको मोटर दोस्तों पानी उठा लेगी। अगर आपने नलके पर पानी मोटर को लगा रखा है, हैं, क्योंकि 30 फुट 25 फुट नीचे बहुत ज़्यादा जो नलके होते हैं वो 25-30 फुट नीचे पे रहते हैं, तो आपको कम से कम 5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मोटर जो है पानी ऊपर तक खींच करके ला पाए। और अगर आपने लाइन में लगा रखा है तो लाइन अगर पास में है, पानी आ रहा है, तो मोटर आपकी तुरंत पानी उठा लेगी, बशर्ते आपको इसके अंदर एक बार शुरुआत में पानी डालना पड़ेगा। उसका सामान NRB वगैरह सब कुछ लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं अभी हमारे जो हमने पानी भरा है इसके अंदर, यहाँ से पानी नहीं निकल रहा पहले जो कि निकल रहा था, ठीक है। तो चलिए अब इसको हमें चेक करना है। सबसे पहले हम इसकी वैक्यूम बना रहा है कि नहीं, ये मतलब ये पानी खींच रहा है कि नहीं, क्योंकि जब खींचेगा तभी ये आगे देगा पानी। इसलिए हमें सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसके मुँह को पीछे से दबा लेंगे और इस मोटर को हम चला लेंगे इस तरह से, ठीक है। जब यहाँ से आपका हाथ खींचने लग जाए, हैं, तभी आप समझिए कि हाँ मोटर की जो कि मतलब पानी के अंदर लगाएंगे, लाइन में लगाएंगे तो मोटर हमारा पानी खींचेगा। तो देख सकते हैं अभी ये पानी मतलब हाथ हमारा खींच रहा है, मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। देखिए देख सकते हैं बहुत ज़ोर से मतलब खींच लिया था, कितना निशान भी पड़ गया है। और दूसरी बात कि अब हम इसका चेक करेंगे कि क्या इसकी सील लीकेज तो नहीं है कहीं, तो सील भी साथ ही हम इसका प्रेशर भी चेक करेंगे। तो प्रेशर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दबाव डालना पड़ेगा और मोटर को चलाना होगा, और इस तरह से यहाँ पे मतलब हवा बाहर नहीं निकलने देना है, पानी बाहर नहीं निकलने देना, इतना दबा कर रखना है। और इससे आपको दबाव जब पड़ेगा, यानी हवा निकलना चाहता है, देखिए इस तरह से, तो आप इसको दबा के रखिए और साथ में यहाँ पे दबा करके देखिए कोई पानी के छींटे तो नहीं पड़ रहे हैं। इस तरह से आप हाथ लगा करके देखिए, अगर पानी के छींटे आएंगे जिसका मतलब आपकी सील लीकेज है, और नहीं आते हैं इसका मतलब सील आपकी लीकेज नहीं है, सब कुछ जो आपने काम किया है वो ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो मोनोब्लॉक पंप है वो कम्प्लीट हो जाती है बंद करके। इसकी हमने बैरिंग चेंज किया, इसके अंदर हमने जो कि चेक वाल इसका ख़राब था, इस लीकेज कर रहा था, उसको हमने ठीक किया, और साथ ही इसके अंदर हमने जो सील भी चेंज किया इसकी सील, क्योंकि हमें बैरिंग के साथ में सील भी चेंज करनी होती है, क्योंकि सील निकालते समय ख़राब हो जाती है, देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह हमने आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आपके पास में कभी भी मोनोब्लॉक पंप आती है इस तरह से रिपेयरिंग करने के लिए, तो उसको आपको किस प्रकार से चेक करना चाहिए, किस प्रकार से उसको ठीक करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आने वाले आगे की और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।